भैया फोटोकॉपी हो जाएगी क्या? हाँ भैया हो जाएगी। ए छोटू। हाँ सेठ। भैया को फोटोकॉपी करके दे। सेठ खाना खा रहा था मैं। तेरे डब्बे वब्बे सब फेंक दूंगा वहाँ पर आके, पहले फोटोकॉपी करके दे। छोटू तू खाना खा ले, मैं फोटोकॉपी कर देता हूँ। ए तू तेरा काम कर, वही करेगा फोटोकॉपी। भैया आप लेने दो, मैं करके आता हूँ। ये लो भैया। अबे खड़ा क्या, खाना खा ले जा। ए छोटू। हाँ सेठ। यहाँ पे धूल कितनी हो रही है, पहले यहाँ पे झाड़ू पोछा कर दे। सेठ खाना खा के कर दूंगा। अभी कर, बाद में खाना खाना तूने। क्या इंसान है यार, ये बच्चे को खाना नहीं खाने देता। अच्छे से मार, धूल बहुत ज्यादा है। सेठ हो गया पूरा काम, पोछा वोछा मार दिया। जा खाना खा ले अब। भैया। हाँ बोल। मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं सेठ से पैसे एडवांस मांगूंगा, दे देंगे क्या? बात करके देख ले, अगर दे दे तो अच्छा है। सेठ मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरे को उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए, 20,000 रुपए एडवांस दे दोगे क्या? मैं काम करके कटवा दूंगा। सपने में देखा है तूने 20,000? अबे तेरे जैसे 5 नौकर रख लूंगा 20,000 में। सेठ दे दोगे तो मेरी माँ बच जाएगी। नहीं है पैसे वैसे, कल से काम पे मत आना, नहीं है तेरी जरूरत। चल भाग, चल भाग, आना मत आज के बाद, भाग जल्दी। क्या यार गरीब की मजबूरी नहीं समझता ये अभी। सेठ आपसे बात करनी है कुछ मुझे। हाँ बोल, क्या बात करनी है? सेठ आपने उस गरीब बच्चे को भगा क्यों दिया? पैसे एडवांस मांग रहा था, पैसे क्या पेड़ पे उगते, जो लाकर दे दूँ उसको। सेठ अगर आपके पास 10 मिनट हो तो मैं आपको एक जगह पर ले जाकर कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ चल। बैठो सेठ। देवो सेठ वो झोपड़ा दिख रहा है आपको? हाँ तो? जिस बच्चे को आपने भगाया है ना, वो यही झोपड़े में रहता है। अरे बाप रे, उसने तो कभी मुझे बताया ही नहीं। सेठ ऐसे गरीब लोग बहुत वफादार होते हैं, अगर आप उसको 20,000 रुपए दे भी देते ना तो आपके पास कम नहीं होता। अंदर होगा वो? हाँ शायद होगा। चलो मैं आपको उसके घर के अंदर लेके चलता हूँ। देखो सेठ वो सो रहा वो। अरे छोटू इधर आ। हाँ भैया। हाँ भैया बोलिए। अरे छोटू मुझे पता नहीं था तू इतनी गरीब हालत में रहता है, वो तो मुझे इसने बताया। चल मैं तेरी माँ के इलाज के लिए पैसे देता हूँ, मुझे माफ कर दे यार। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ आपका। चलो किसी गरीब की मदद तो करा इस सेठ ने।